वेलकम बैक. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है कुछ फेसबुक के दर्शकों से कॉल लेने का. नितिन अरोड़ा ने हमें एक मैसेज भेजा है. इनका सवाल यस बैंक पे है. इनकी जो खरीद है वो 1630 के लेवल पर है. 144 शेयर इन्होंने लिए थे 1630 के भाव पर और इस वक्त इनको काफी नुकसान हो रहा है. स्वाति, यस बैंक पर आपकी क्या राय होगी, कैसे दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स आपको? यस बैंक की राय मेरी पॉजिटिव है. बाय ऑन डीप स्ट्रेटजीज यूटिलाइज्ड हो रहे हैं ये पर्टिकुलर काउंटर पे. हम लोग ने 1650 से एक फॉल देखा था टूवर्ड्स 1380-1390 के रेंज तक. वहाँ से एक बाउंस बैक रैली दिखाई दे रही है वापस टूवर्ड्स 1500 के रेंज में. तो आई बिलीव उन्होंने होल्ड करना चाहिए. बैंकिंग में धीरे धीरे मूवमेंट आएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है तो मेरी राय होल्ड रहेगी. 1500 का जैसे ही इमीडिएट एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देता है तो वापस हमें ये काउंटर 1600-1640 के रेंज में दिखाई देगा. तो आई बिलीव कि ये पर्टिकुलर काउंटर होल्ड रखना चाहिए. ऑलराइट, तो अभी आपको होल्ड ऑन करने की सलाह है. दीक्षा का सवाल है एक्सिस बैंक को लेकर. इनके पास 100 क्वांटिटी है जो कि 600 रुपए के स्तर पर लिया हुआ है. नुकसान में है फिलहाल, 510 का स्तर देखने को मिल रहा है. क्या सलाह रहेगी स्वाति एक्सिस बैंक में? यस, एक्सिस बैंक फिलहाल तो अभी एवरी टेक्निकल एनालिस्ट के फोकस में रहेगा बिकॉज अगर वीकली चार्ट देखे तो वो एक पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशन में बना रहा है जो कि उसका ब्रेकआउट 525-530 का रेंज का है. अनलेस अनटिल वो एक ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक मूवमेंट नहीं मिलेगी. डाउनसाइड 480 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. अभी फिलहाल ये स्टॉक काफ़ी रेंज बाउंड सेशन में चल रहा है बिटवीन 530-480 के रेंज में. जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता है आइदर साइड डायरेक्शन क्लियर नहीं रहेगा. आई बिलीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जब तक 480 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक व्यू तो पॉजिटिव रहेगा. जैसे ही हमें 525-530 का ब्रेकआउट मिलता है डेफिनेटली ये काउंटर 600 का लेवल टच करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन 1-2 मंथ्स. तो डेफिनेटली ये काउंटर होल्ड रखिएगा, पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 480 ऑन अ डाउन साइड. ओके, तो होल्ड करने की राय होगी और पेशेंस रखिए. 630 तक के लेवल्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में. कुछ और कॉल दर्शक को जोड़ लेते हैं. हमारे पास उमेश का मैसेज आया है और इनकी जो खरीदारी है वो HCC पर है. इन्होंने 100 शेयर्स लिए हैं 44 के भाव पर लिया और लगभग इन्हीं की जो खरीदारी है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है. और आज HCC तमाम जो मिड कैप इंफ्रा स्टॉक्स हैं उनमें आज अच्छी तेजी भी है. HCC के शेयर को देखिए, 8% की मजबूती के साथ आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है. और एक और सवाल ले लेते हैं आलोक मिश्रा का. सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पर इनका सवाल है और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पर काफी सारे दर्शकों के सवाल हमें लगातार मिल रहे हैं. इनका जो सवाल है वो 5000 शेयर्स इन्होंने लिए हैं, 30 की खरीद थी इनकी और हल्का नुकसान यहां पर इनको हो रहा है और आज करीब 3.5% की कमजोरी भी स्टॉक में देखने को मिल रही है. स्वाति, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज इसके चार्ट्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, किस तरह का रन अप आपको देखने की उम्मीद है और HCC में भी आपकी क्या राय होगी? यस, HCC में पहले मैं राय देना चाहूँगी. 44 लेवल पे काफ़ी ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल ये स्टॉक. 37 का इमीडिएट सपोर्ट है तो आई बिलीव अपसाइड ये जाने की क्षमता है. अगर ये 46-45 का एक लेवल ब्रेकआउट देता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एटलीस्ट ये 2-3 दिन क्लोजिंग रखना चाहिए 46 के रेंज में. एक बार वो होता है तो डेफिनेटली ये एक न्यू रेंज में चला जाएगा. आई कैन से अप टू 55-60 और लेवल्स. बट ये काफ़ी स्लो मूविंग स्टॉक है, उसमें पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है. नीचे में आई विल सजेस्ट कि अभी फिलहाल सिंस उनका बाइंग प्राइस करंट लेवल पर का ही है तो होल्ड रखिएगा. प्लेस अ स्टॉप लॉस ऑफ अ 40 ऑन अ डाउन साइड एंड कैरी योर लॉन्ग पोजिशन फॉर अ टारगेट ऑफ अ 55-60 लेवल्स ऑन द अपसाइड. सिंटेक्स की बात करें तो ये बिकॉज ऑफ द डीमर्जर्स के वजह से ये काफ़ी गैप डाउन हुआ था ये पर्टिकुलर काउंटर्स. तो आई बिलीव कि टेक्निकल तो अभी कोई एग्जैक्टली व्यू देना विल नॉट बी अ राइट थिंग, बट डेफिनेटली होल्ड रखिएगा. जैसे ही एक वापस लिस्ट होता है ये काउंटर तो आई कैन से एटलीस्ट 100-90 रुपीज़ का लेवल हमें देखने मिलेगा. आई विल नॉट सजेस्ट एनी स्टॉप लॉस बिकॉज ऑफ द ऑल द न्यूज एज हैव बीन कमिंग अप इनटू द सिंटेक्स. ठीक है, तो अभी आपको सिंटेक्स में होल्ड ऑन करना है. फिलहाल बने रहे हैं, 25 रुपए का स्तर देखने को मिल रहा है. वरुण जुड़े हैं मथुरा से. वरुण नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? नमस्कार मैडम. मैडम मेरे दो सवाल हैं. एक तो मैंने चंबल फर्टिलाइजर लिया है 123 रुपए पे 25 शेयर और एक इंडिया बुल वेंचर लिया है 154.80 पे 100 शेयर और दोनों इंट्राडे के लिए हैं. और मैडम चंबल फर्टिलाइजर बढ़ नहीं रहा है, बहुत दिन से यही घूम रहा है. या तो आप पैनल बैट में उतार दीजिए इसे जिससे इसमें तेजी आ जाए. ठीक है, एक तो इंडिया बुल वेंचर्स जो आपके 154.8 की खरीद है और साथ ही चंबल फर्टिलाइजर्स का भाव बताएंगे? हाँ, 123 रुपए पे 25 शेयर्स हैं. ठीक है, ठीक है.
तो दो शेयर्स यहाँ पर ये जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए, इंडिया बुल्स वेंचर्स में इनको फायदा हो रहा है, हालांकि इनकी खरीद के आसपास ये आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, 1% की कमजोरी दिखा रहा है ये शेयर। सारी चंबल फर्टिलाइजर्स, जब से मॉनसून की शुरुआत हुई है पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि एग्री से रिलेटेड जो स्टॉक्स है वहां पर अच्छी बढ़त बनी है। स्वाति आपकी सलाह क्या होगी, चंबल फर्टिलाइजर और साथ ही आईबी वेंचर्स क्या क्या करना चाहिए, कब तक बने रहना चाहिए इसमें? ये सभी मानसून सीजन चालू हो रहा है, प्रेडिक्शंस है कि काफ़ी अच्छे बारिश होंगे तब हमेशा फर्टिलाइजर स्टॉक्स चलते हैं। चंबल फर्टिलाइजर टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, इवन वी आर ऑल्सो गिविंग अ बाय कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर काउंटर। अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखें तो एक पेंडेंट पैटर्न का फॉर्मेशन है, 73-74 का ये स्टॉक में ब्रेकआउट है, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली ये काउंटर 82-85 का लेवल टच कर सकता है। तो आई विल सजेस्ट कि होल्ड ऑन रखिएगा, चार्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, धीरे धीरे इसमें मूवमेंट आ जाएगी, बट होल्ड रखिएगा ये काउंटर फॉर अ टारगेट ऑफ 80-84 रुपीज़ ऑन अपसाइड। दूसरे आईबी वेंचर्स की बात करें तो फिलहाल ये 154 पे ट्रेड हो रहा है एट अराउंड दैट लेवल्स, तो डेफिनेटली ये काउंटर अपसाइड जाने के लिए 170 का लेवल दिख रहा है, नीचे में 148 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आई विल सजेस्ट कि 148 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 170। ओके, तो इंडिया बुल्स वेंचर्स में होल्ड करने की राय होगी, 148 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, 170 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, चंबल फर्टिलाइजर्स में भी होल्ड करने की राय। फेसबुक से लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, एक मैसेज हमें राजीव सिंह का आया है, इनके पास पीएफसी के शेयर्स हैं, 500 शेयर्स इन्होंने लिए हैं, 126 की इनकी खरीद थी। और एक और मैसेज ले लेते हैं प्रमोद चौहान का, इनके पास बीएससी के 100 शेयर्स हैं, 1011 की इनकी खरीद है। पीएफसी का शेयर देखिए, इनको इनकी खरीद के आसपास ही इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और बीएससी में भी इनको हल्का यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है, 1011 की इनकी खरीद थी इस वक्त, माफ कीजिएगा, मुनाफा इनको यहाँ पर हो रहा है, 1011 की इनकी खरीद थी और इस वक्त मुनाफे में अच्छा मुनाफा इनको पर देखने को मिल रहा है, और आज भी 2% की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्वाति, पीएफसी और बीएसई इन दोनों ही शेयरों में क्या राय होगी, कब तक के लिए को होल्ड करके रख सकते हैं? यस, बीएसई ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, अभी 1100 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये जो भी अप ट्रेंड है या अप लेग है ये कंटिन्यू करेगा एटलीस्ट अप टू 1150-1180 के रेंज में। तो मेरी सलाह रहेगी कि होल्ड कीजिएगा, आई नो ऑलरेडी आप 100 रुपीज प्रॉफिट में हो, तो प्लीज़ मेंटेन एटलीस्ट फिक्स स्टॉप लॉस ऑफ 1070, यानी एटलीस्ट 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आपके पॉकेट में रहेगा। अगर ये कोई भी रिवर्सल आ रहा है अपसाइड से सेलिंग प्रेशर आता है, तो एटलीस्ट यू कैन अर्न योर 70 रुपीज़ इन योर पॉकेट। तो 1070 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिएगा प्रॉफिट स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 1200 रुपीज़ और अपसाइड। पीएफसी बात करें पावर फाइनेंस की, तो ये काउंटर इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा रहा है, पावर सेक्टर्स में ओवरऑल बाइंग दिखाई नहीं दे रही है, इवन मार्केट इज ट्रेडिंग एट अ हायर लेवल, ये पर्टिकुलर सेक्टर्स में हमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो RSI जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो हमें दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव दिखा दे रहा है, तो आई विल बिलीव कि ये एक बार आप सेल कीजिएगा, एग्जिट कीजिएगा ये पर्टिकुलर काउंटर से और कोई दूसरे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको री इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली यू कैन टेक अ बाय कॉल एट ऑन एनी डिप्स टूवर्ड्स 100 रुपीज। ऑल राइट, साथ ही एक बार जेएमआर इंफ्रा को देख लेते हैं, एक अच्छी तेजियां सुबह से ही स्टॉक में देखने को मिल रही है, कंपनी ने अपना कर्ज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है, इनफैक्ट रफली आधा इसको कह सकते हैं कि आधा कर दिया है कर्ज, फाइनेंशियल ईयर 2017 में लगभग 37,480 करोड़ का डेट था कंपनी के ऊपर, जिसे अब सिग्निफिकेंटली कट करके 19,800 तक पहुंच गया, और स्टॉक में भी इसका साफ रिएक्शन देखने को मिल रहा है, 24% तक की तेजी आज इंट्राडे में देखने को मिल रही है, कह सकते हैं कि 2 साल के सबसे ऊपरी स्तरों पर आज स्टॉक पहुंचा, 19 रुपए भी आज इसने टच किया है, फिलहाल लगभग 24% ऊपर दिन के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, स्वाति आपका शुक्रिया समय निकालने के लिए, एक ब्रेक के बाद होगा एफएनओ कॉलर शो, नमस्कार। प्रायोजक है कोटक महिंद्रा बैंक। आज बड़े भैया छोटी लोन से बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, सोनू भाभी आज घर भी संभालती हैं और काम भी, गरीब का अब बैंक में रोज आना जाना है, एक एक पैसा सीधा हाथ में जो पाना है, इलाज का खर्चा अब प्रेशर नहीं बढ़ाता, हर गरीब के सर पर पक्की छत बन रही है, अब गरीब की जिंदगी सुरक्षित हो रही है, गरीब का बेटा नौकरी मांगने वाला नहीं,
नौकरी देने वाला बना है। अभी तो साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। सेट टॉप बॉक्स लगवाना, चॉइस सिंपल है, डिश टीवी। अब डीवीडी पिक्चर क्लैरिटी और स्टीरियोफोनिक